झूठ नहीं बोलना चाहती आपसे माँ, बस बहुत हो गया। आज मैं आपको सब सच सच बता दूंगी। बहुत अच्छा लगा यार। थैंक्स फॉर कमिंग गाइस, थैंक्स फॉर कमिंग। बाय बाय, सी यू। हाँ, क्या प्रॉब्लम थी सर? फ्यूज उड़ गया था। लेकिन फ्यूज उड़ने की वजह का पता नहीं चल पाया है। आमतौर पे अगर लोड ज्यादा हो तो तार जल जाती है और फ्यूज उड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर तार काट दिया हो और फ्यूज को फिर से लगा दिया हो। ये देखिए, शायद किसी बच्चे ने मजाक किया होगा। चलो अच्छा। आनंद, थैंक्स यार, बहुत मजा है, रियली। माय प्लेजर। सच में यार। और वैसे भी मुंबई में लाइट चले जाने की मजा ही कुछ और है। अच्छा, अब चले क्या? ओके गाइस, बाय बाय। बाय। ठीक है। बच गया आज तो। अनंत, मुझसे ये नहीं होगा। नहीं होगा यही झूठ पे झूठ बोलते जाना। जब से हम बार बार मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरे मुंह से झूठ ना निकले, लेकिन आज भी जब माँ का फोन आया मैं उनसे सच छुपाने लगी। सच ना कहना भी तो झूठ के बराबर ही है ना आनंद। आज तो मैंने इसमें दी को भी शामिल कर लिया। आज दी को भी मेरे कारण वहां से झूठ बोलना पड़ा। मैंने सोच लिया अनंत, आज मैं माँ को हम दोनों के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी। सारे के कढ़ाई पर पानी फिर गया रे सगुन। वो चुड़ैल नव्या सबके सामने हमको ही अपना ढाल बनाकर बच निकली, और वो देवर जी जाने कैसे ऊपर से नीचे आकर टपक पड़े, और यहाँ हमारा व्रत खाली पड़ गया। भूख से मर गए हम तो। अरे भूतनी, तुझको अपना भूख का पड़ा है, जरा हमारे बारे में भी तो सोच। सुबह से लगे हुए थे डिनर प्रिपेयर करने में, सबको खी करके वेलकम किए, जान का रिक्स तक लिए हमें सब पिलान करके, और वो दोनों बच के निकल गए। माँ, मुझे आपको बताना था कि तेरे कमरे में बात करेंगे। तू जाके कपड़े बदल, मैं देख के आती हूँ पापा को क्या चाहिए।